मुंबई शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शिवा और उसकी पत्नी सुजाता रहा करते थे। वो दोनों दिन भर मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। उन्हें दो बच्चे थे। जब वो काम पर जाते तब दोनों बच्चे घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। एक दिन सोना अपने भाई सूरज से, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना हम कुछ बाहर से खाकर आते हैं। सोना, हमारे माँ पिताजी कितनी मेहनत करते हैं और हम ऐसे बाहर खाएंगे तो हमें पैसों की दिक्कतें आएगी। ठीक है भैया, मगर मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ अभी देता हूँ। सूरज सोना को एक रोटी पर अचार लगाकर खाने के लिए देता है। सोना भी वो रोटी चुपचाप खा लेती है और दोनों साथ में खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शिवा और सुजाता घर पर आ जाते हैं। घर पर देखते हैं तो सूरज सोना के साथ खेल रहा था। ये देख शिवा। सूरज, आज सोना ने तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं पिताजी, सोना तो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से रहती है। और हाँ, तुम दोनों की पढ़ाई हो गई या नहीं कि बस खेल ही रहे हो? पिताजी, हमने स्कूल से आते ही पढ़ाई पूरी कर ली। चलो मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर शिवा हाथ मुंह धोने चला जाता है। सुजाता किचन में जाकर खाना बनाती है और वो चारों उस दिन अच्छी तरह से खाना खाकर सो जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अपने बच्चों के लिए शिवा और सुजाता बहुत मेहनत किया करते थे। बारिश के दिन शुरू हो गए थे। शिवा और सुजाता को काम पर जाने के लिए दिक्कत हुआ करती थी, मगर दोनों हर रोज काम पर जाया करते थे। एक दिन रात भर से बारिश शुरू थी, तभी सूरज सुजाता से, माँ आज तुम काम पर मत जाओ, आज बहुत तेज बारिश है। बेटा घर रहकर कैसे चलेगा, काम पर तो जाना ही होगा। माँ आज रुक जाओ ना। नहीं मेरे बच्चे, घर पर रहकर हमारा गुजारा कैसे होगा, हमें जाना ही होगा, नहीं तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है माँ, तुम दोनों जाओ, मगर घर जल्दी वापस आना। हाँ बेटे, तुम तब तक सोना का और खुद का ख्याल रखना। ऐसा कहकर शिवा और सुजाता काम पर निकल जाते हैं। बाहर जाकर देखते हैं तो जगह जगह पर बहुत सारा पानी दिखाई देता है। वो देख दोनों जल्दी जल्दी से काम पर चले जाते हैं। काम पर पहुंचते ही वहाँ सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। शिवा सुजाता से, हम खामखा ही आज काम पर निकले, यहाँ देखो कितना पानी है, आज काम तो नहीं हो पाएगा, चलो जल्दी घर चले जाते हैं। हाँ चलिए, नहीं तो यहाँ और पानी बढ़ जाएगा। हाँ चलो। ऐसा कहकर शिवा और सुजाता घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी बहुत तेज से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देख शिवा और सुजाता बहुत डर जाते हैं। वो एक जगह खड़े होकर बारिश कम होने का इंतजार करते हैं, मगर बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ी ही देर में उस जगह कमर तक पानी आ जाता है और वो पानी देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो गए, मगर सुजाता और शिवा को घर जाने की चिंता खाए जा रही थी। सुजाता शिवा से, अगर ऐसे ही घर में पानी भर गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? सुजाता, मैं भी यही सोच रहा हूँ, चलो हमें जल्दी घर जाना होगा। इतनी बारिश में हमें सावधानी से जाना होगा। हाँ चलो। चलिए, ऐसा कहकर शिवा सुजाता के साथ कमर भर पानी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। दूसरी ओर सूरज और सोना अकेले घर पे थे। सूरज उसकी बहन के साथ एक जगह बैठा था। उसने देखा कि घर में पानी आ रहा है। वो देख सूरज डर गया और वो सोना के साथ जाकर बेड पर चढ़ जाता है और एक जगह बैठ जाता है। सूरज मन में, माँ पिताजी आप कहाँ हो, आप जल्दी घर आ जाओ। माँ पिताजी कब आएंगे भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी आ जाएंगे सोना, तुम चिंता मत करो। सूरज उसको समझा कर एक जगह सोना के साथ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बेड के नीचे पानी आ जाता है। ये देख सूरज बहुत डर जाता है। वो सोना को लेकर छत पर चला जाता है। वही एक जगह सोना के साथ खड़ा रहता है। वहाँ तेज बारिश की वजह से रास्तों पर से पानी बह रहा था। उसमें लोगों के सामान और लोग भी बहकर जा रहे थे। पानी का बहाव देख सूरज बहुत डर जाता है। वो उस ओर देख ही रहा था तभी उसे पानी में उसके माता पिता तैरते हुए आ रहे हैं ये दिखाई देता है। उन्हें देख दोनों बच्चे, पिताजी माँ, माँ पिताजी आप इधर आओ, हमें बहुत डर लग रहा है। माँ, ऐसा कहकर सोना बहुत जोर जोर से रोने लगती है।
उसका रोना देख शिवा सूरज से, सूरज अपनी बहन का ख्याल रखना और तुम्हारा भी ख्याल रखना। शिवा ऐसे कह ही रहा था तभी तेज बाढ़ आई और दोनों बह गए। पिताजी पिताजी, ऐसा कहकर सूरज बहुत रोने लगा, उसके साथ सोना भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद रात हो गई, दोनों भी छत पर एक कोने में खड़े थे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद वही दोनों बैठकर सो जाते हैं। सुबह होती है फिर भी बारिश का पानी कम नहीं होता, ये देख दोनों भी डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोना सूरज से, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सोना मैं देखता हूँ कुछ मिलता है क्या, तुम यही रहना, कहीं मत जाना मेरी बहना। हाँ भैया मैं यही हूँ। ऐसा कहकर सूरज नीचे घर में जाकर देखता है तो पूरा घर पानी से भरा हुआ था और सब सामान पानी में डूब गया था। ये देख सूरज खुद से, अब मैं क्या करूँ, सोना को क्या खिलाऊ, ऐसा मन में सोच रहा था तभी उसे एक बिस्किट का पैकेट दिखाई देता है जो कि पानी में तैर रहा था। थोड़ी मेहनत करके लकड़ी की सहायता से सूरज वो पैकेट उठा लेता है और उसे लेकर छत पर चला जाता है। सूरज सोना से, सोना ये बिस्किट खा लो, यही मिला है। ठीक है भैया। सूरज सोना को बिस्किट खिलाता है और खुद थोड़े खाकर वहीं बैठ जाता है। दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत जाता है, पानी की बाढ़ कुछ कम ही नहीं हो रही थी। ये देख सूरज बहुत चिंतित दिखाई देता है, तभी उसे एक नाव पानी में दिखती है। वो जोर जोर से उस नाव की ओर आवाज देता है, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, प्लीज हेल्प। दोनों बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे तभी वो नाव उनकी तरफ आई और उन्हें छत से निकालकर नाव में बैठा दिया। चाचा आप हमें कहाँ लेकर जाने वाले हैं? बच्चों पड़ोसी गांव में एक धर्मशाला है, वहाँ सभी लोग ठहरे हुए हैं, मैं तुम्हें वही ले जा रहा हूँ। मेरे माँ पिताजी भी पानी में बह गए। जो भी लोग पानी में बह गए थे उन्हें वहाँ निकाला गया है, शायद तुम्हारे माँ पिताजी वहाँ मिल जाए। चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं। जी चलिए चाचा। ऐसा कहकर नाव वाला बच्चों को सही सलामत दूसरे गांव लेकर चला जाता है और धर्मशाला में उतार देता है। वहाँ जाते ही सूरज और सोना अपने माँ पिताजी को ढूंढते हैं। उन्हें एक जगह सुजाता और शिवा बहुत रोते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देख सूरज और सोना उनकी ओर दौड़कर चले जाते हैं। माँ पिताजी आप कहाँ चले गए थे? बच्चों हम पानी में बहकर यहाँ आ गए, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। दोनों एक दूसरे को गले लगकर बहुत रोते हैं और मन ही मन शिवा और सुजाता भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस बाढ़ की वजह से कितने घर ऐसे ही बर्बाद हो गए, कई लोगों की जाने चली गई, कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए। ऐसे कठिन समय में हम सबको मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। सुंदरपुर नाम के गांव में श्रीराम नाम का आदमी रहा करता था। उसको एक समर नाम का बेटा था। समर पढ़ाई करने में बहुत होशियार था, वो कॉलेज करके अपने पिताजी को मदद कर दिया करता था। उसकी माँ सुषमा घर के सारे काम किया करती थी। श्रीराम की चाय की दुकान होने के कारण उसे दिन भर कुछ ना कुछ काम रहता था और जब से समर उनको मदद करने लगा था तब से उसका काम कम हो गया था। एक दिन श्रीराम समर से, बेटे तुम आगे क्या करना चाहते हो? पिताजी मैं एक अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ और मैं अगले महीने शहर जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। ऐसा कहकर श्रीराम अपना काम करने चला जाता है। कुछ समय बाद समर शहर जाने का निर्णय लेता है। समर अपने माँ पिताजी की आज्ञा लेकर जाने के लिए निकलता है। बेटे वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना। ये लो कुछ पैसे, तुम्हें काम आएंगे। जी पिताजी। अब समर बस में बैठकर शहर चला जाता है। बस से उतरते समय उसका वॉलेट कोई चुरा लेता है। सारे पैसे वॉलेट में होने के कारण उसके पास कुछ भी पैसे नहीं रहते। वो बस से नीचे उतर जाता है। उसे तेज भूख लगने के कारण समर अपने पास और कुछ पैसे है क्या ये देखता है। तभी उसे 10 रुपए मिलते हैं। वो देख, अब मैं इन 10 रुपए से क्या करूं? फिलहाल एक कप चाय ही पी लेता हूँ। ऐसा सोचकर समर रघु के चाय की दुकान पर चला जाता है। रघु अपनी दुकान पर चाय बना रहा था। रघु समर से, अरे भाई लगता है तुम इस शहर में नए आए हो। जी मैं इस शहर में नया हूँ। भैया मुझे कप चाय दे देना। ये लो। तुम बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ है?
आज मेरा वॉलेट बस से उतरते समय चोरी हो गया है। अरे भाई, यहाँ चोरियाँ बहुत होती है। अब तुम कहाँ रहने वाले हो? यही फुटपाथ पर रह लूंगा, जब काम मिलेगा तब कुछ ना कुछ देख लूंगा। तुम चाहो तो मेरे दुकान पर सो सकते हो और कुछ दिनों तक मेरे यहाँ काम भी कर लेना। ये सुन समर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर उसकी दुकान में रहकर काम करता है। समर सुबह उठकर दुकान की साफ सफाई करता है। रघु आने के बाद उसे सारा काम समझा देता है। थोड़े ही दिनों में समर उसका काम अच्छी तरह से करने लगता है। उसका काम देख रघु उस पर बहुत खुश था। अचानक से एक दिन रघु की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रघु 2 दिन तक दुकान में नहीं आता। तभी दुकान का सारा काम समर संभाल लेता है। समर के हाथ की चाय लोगों को बहुत पसंद आने लगी। 2 दिन तक लोगों को चाय का स्वाद अलग लगा, मगर लोगों को वो स्वाद पसंद आया। अगले दिन रघु दुकान पर वापस आ जाता है। तभी बैंक मैनेजर वहाँ आकर, रघु तुम्हारे यहाँ का लड़का बहुत अच्छी चाय बनाता है, एक चाय देना मुझे। ठीक है साहब, अभी लाता हूँ। अरे रघु भाई, एक कप चाय मुझे भी देना। अभी लाता हूँ भाई। और हाँ रघु भाई, समर के हाथों की ही चाय देना। ये सुन रघु के मन में समर के प्रति ईर्ष्या निर्माण हो गई। रघु मन में, मैं इतने दिन से चाय बना रहा हूँ तो इन लोगों को वो चाय पसंद नहीं आई, और 2 दिन में समर के हाथों की चाय क्या पी ली तो इन्हें बहुत पसंद आई। आज उसी को चाय बनाने को कहता हूँ, कल से मैं ही बनाऊंगा। रघु दुकान में जाकर समर से, समर 2 चाय बनाना जल्दी। जी अभी बनाता हूँ। ऐसा कहकर समर 2 कप चाय बनाकर देता है और बाकी के काम करने लगता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। तभी रघु के मन में समर के प्रति जलन बढ़ गई थी, इसीलिए एक दिन रघु समर से, जाओ समर बैंक में चाय देकर आओ। भैया ये चाय तो सुबह की बनाई है, मैं ताजी चाय बनाता हूँ और वही लेकर जाता हूँ। तू क्या मेरा धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि हम जब चाहिए तब चाय बनाकर दे सकते हैं, तो हम ये सुबह चाय क्यों बनाकर रखते हैं? तुम मुझे सिखा रहे हो? मैंने तुम्हें काम दिया और तुम मुझे ही सिखाओ? हाँ नहीं भैया, मैं अभी चाय लेकर जाता हूँ। मुझे जबान लड़ाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आज से तुम मेरे यहाँ काम करने मत आना। ये लो तुम्हारे महीने के पैसे। मगर भैया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। समर बड़े दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। उसे रघु ने दिए हुए पैसों में से थोड़े पैसे अपने पिताजी के अकाउंट में डालने थे, इसीलिए समर बैंक में चला जाता है। समर 1,000 रुपए अपने पिताजी के अकाउंट में जमा कर देता है और मैनेजर से मिलकर जाने का सोचता है। वो मैनेजर के कैबिन में जाकर, नमस्ते साहब। अरे आओ ना समर, आज चाय नहीं लाए? मेरी नौकरी चली गई है साहब। क्यों? तभी समर सारी बात मैनेजर को बता देता है। मैनेजर को उसकी बात सुनके बहुत बुरा लगता है और मैनेजर उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। समर, अगर तुम खुद का काम शुरू करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बैंक का लोन दिलवा सकता हूँ। साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ऐसा हुआ तो मुझे काम करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, कल तुम्हें बैंक से लोन मिल जाएगा, अब तुम जाओ। समर खुद के सारे काम करके रात के समय रास्ते पर ही रहता है। अगले दिन बैंक में जाकर लोन के पैसे लेकर खुद का एक दुकान किराए पर खरीदता है और उसमें चाय की दुकान खोलता है। उसकी दुकान पर पहले दिन कोई नहीं आया, बाद में उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ होने लगी। समर के हाथ की चाय लोगों को बहुत पसंद आने लगी, इसीलिए लोग उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए आते थे। एक दिन समर का दोस्त सुहास उसके दुकान पर आया। समर, तुम्हारा ये दुकान देखकर बड़ी खुशी हुई, अब मुझे एक तुम्हारे हाथ की चाय तो पिलाओ। अभी पिलाता हूँ। समर सुहास को चाय पिलाता है और उससे बातें करता है। सुहास का होटल था, उसके होटल में तंदूरी चूल्हा पड़ा हुआ था, इसीलिए समर वो चूल्हा लेकर आया और उस पर चाय बनाने लगा। एक दिन एक छोटी लड़की मिट्टी के छोटे छोटे मटके बेचने आती है। वो समर से, भैया ये इतने ही मटके बचे हैं, इसे खरीद लो, मेरी टोकरी खाली हो जाएगी। मैं तुम्हारे ये छोटे मिट्टी के मटकों का क्या करूँगा? ले लो ना भैया, घर पर जाकर पढ़ाई भी करनी है। उसकी बात सुन समर ने उसके पास के सब मिट्टी के छोटे मटके खरीद लिए और अपने दुकान में रख दिए। वो रात को सोने जा रहा था, तभी उसके मन में विचार आया, अगर हम मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं, तो चाय क्यों नहीं बना सकते? समर ये सोच रहा था तभी उसे तंदूरी चूल्हे की याद आई, जो समर ने अपने दोस्त के यहाँ से लाया था।
वो मन में, मैं चूल्हे में छोटे छोटे मटके डालकर उनको गर्म करूंगा और उसमें चाय डालकर लोगों को दूंगा। अगले दिन उठकर समर सारे काम कर लेता है और सुबह ही तंदूरी चूल्हा जलाकर उसमें मटके डाल देता है। मटके बहुत गर्म हो जाते हैं। गर्म मटकों को उठाकर समर उसे एक पतीले में रख देता है और उसमें चाय डाल के देखता है। चाय को अच्छी तरह से उबाल आता है। उस चाय का सुगंध बहुत अच्छा आने के कारण समर वो चाय थोड़ी पीकर देखता है। उसे चाय का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। वो खुद से, ऐसी स्वादिष्ट चाय लोगों को जरूर पसंद आएगी। समर दुकान में बोर्ड लगा देता है। वो बोर्ड देखकर बहुत से लोग समर से पूछने लगे। तभी समर ने उन सभी लोगों को तंदूरी चाय पिलाई। सभी लोगों को चाय बहुत पसंद आई। ये देख समर समझ गया कि लोगों को चाय पसंद आई। उसके दुकान में अब बहुत भीड़ होने लगी। उसकी तंदूरी चाय बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब समर ने उसके दुकान में काम करने के लिए लोग रख दिए। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। समर ने शहर में 2 तंदूरी चाय के दुकान और दूसरे शहर में भी तंदूरी चाय के दुकान खोल दिए। उसका चाय का धंधा बहुत बढ़ गया था। रघु के हाथ का स्वाद लोगों को पसंद ना आने के कारण लोग उसके दुकान पर नहीं जा रहे थे। अब रघु के पास पैसे ही नहीं थे। तभी उसे समर की याद आती है और रघु समर के पास चला जाता है। अरे रघु भैया, आप आइए ना, क्या काम था? मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे समर, उधारी चुकती करनी है। समय ना गवाकर समर अंदर से पैसे लेकर आता है और रघु के हाथों में रख देता है। समर रघु से, रघु भैया, मैं चाहता हूँ आप मेरी इस धंधे में मदद करो। आप चाहो तो मेरा एक दुकान संभाल सकते हो। ये सुन रघु की आंखों में पानी आ जाता है और रघु समर से, समर, मैं तुम्हारा दुकान संभालूंगा, मगर मैंने तुमसे इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मुझसे अच्छा बर्ताव कर रहे हो। रघु भैया, इस शहर में मुझे पहले सहारा देने वाले तुम ही थे, इसलिए मैं तुम्हें आजीवन नहीं भूल सकता। समर की बातें सुन रघु की आंखें भर आई और वो गले मिल गए। अब उनका तंदूरी चाय का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उसके यहाँ लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। समर अब बहुत अमीर आदमी बन गया था। ये सब तंदूरी चाय की वजह से हुआ था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में अच्छे विचार ही करने चाहिए। अच्छे विचारों का फल अच्छा ही होता है और दूसरों के प्रति मन में घृणा नहीं रखनी चाहिए।